स्वागत है आप सभी का लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी हेडलाइंस के साथ। शिक्षक और प्रबंधक के टॉर्चर से तंग आकर आठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में साफ लिखा मरने की वजह। मुजफ्फरनगर जनपद कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर को रात में चले खास अभियान के दौरान किया गिरफ्तार। समय पर एम्बुलेंस ना आने पर सड़क पर ही ऑटो रिक्शा में महिला का कराना पड़ा प्रसव। हाथरस के गांव सुसावली में दो मासूम हाई टेंशन लाइट की चपेट में आए, एक की मौत, दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। उन्नाव दुष्कर्म कांड और सरकार की नीतियों के खिलाफ सपाइयों ने संत कबीर नगर में किया जमकर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। इटावा जिले के जसवंत नगर इलाके के एक पब्लिक स्कूल के आठवीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक और प्रबंधक के टॉर्चर से तंग आकर सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। छात्र ने अपनी मौत से पहले छोड़े सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि स्कूल में उसकी पिटाई की जाती थी और जिस कारण वो बहुत ही परेशान रहता था और इसलिए अब वो आत्महत्या कर रहा है। ये सूचना ये मिली है कि एक निलोई का लड़का है, हनी उर्फ मयंक नाम है, वो ब्राइट पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे खुला हुआ है कैस्ट में, वहाँ वो पढ़ता था और कक्षा 8 का छात्र था, तो उसने आत्महत्या की है। और आत्महत्या के पहले जो उसने सुसाइड नोट लिखा है या यूँ कहिए कि उसके जहाँ पे वो मरा है वहाँ पे पाया गया है, तो उसमें उसने मैनेजर को और टीचर को जो मैथ का था उसके विरुद्ध आरोप लगाया है कि ये मुझे जो है मारते पीटते थे, मैं चूँकि मैथ में कमज़ोर था तो ये मुझे सामूहिक रूप से क्लास में बेइज्जत भी करते थे कि तुम कमज़ोर हो, तो इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या कर रहा हूँ, ऐसी बात आई है। और इसमें जो भी वो सूचना देंगे, जिस आधार पर जो आधार बनेगा उस पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, मामला कैसे कल प्रातः पर थाने पहुँचा, उसके बाद कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई तो हो रही है, अब उसमें आज पोस्टमार्टम हुआ है, अंतिम संस्कार वगैरह सब लगे हैं, उसके बाद हो जाएगी कार्रवाई। अच्छा, स्कूल प्रबंधक का के विषय मुझे जानकारी नहीं है, चूँकि स्कूल शायद बंद हो गया है, तो जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की सूचना ही मिलती है तो लोग डर जाते हैं, तो वो छिपते छिपाते हैं, अपनी सिफारिश चाहते हैं कि सिफारिश कहीं से लगाएँ बचें, तो ऐसा होता है। यदि बंद कर दिए हैं तो आएँगे, आज नहीं तो कल आएँगे। मुजफ्फरनगर जनपद की शहर कोतवाली पुलिस ने एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश अनुसार चलाए गए अभियान में अलग अलग मामलों में 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने शहर में अवैध वाहन काटने वाले, मादक पदार्थ बेचने वाले, सट्टा करने वाले और वंचित चल रहे गैंगस्टर को देर रात में चलाए खास अभियान के दौरान गिरफ्तार किया है। रात्रि कप्तान साहब के निर्देशानुसार, एसपी सिटी साहब के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया, जिसमें वाहन चोर, नशे का कारोबार करने वाले, सट्टे की खाईवाड़ी करने वाले, पूर्व में वांछित गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों को, कुल 15 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम पार्ट्स, नशीला पदार्थ, अवैध पैसे, खाईवाड़ी करने वालों के प्लस असला बरामद किया गया है। इनके कोई अपराधी की याद भी है या क्या फसवाड़ी? वो मैंने प्रेस नोट आपको दिया, उसमें तमाम अपराधी के थे उसमें दर्ज है। एक राहगीर महिला का समय पर एम्बुलेंस ना आने पर सड़क पर ही ऑटो रिक्शा में ही प्रसव कराना पड़ा और ये बात हमारी स्वास्थ्य योजनाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर की है। सरकारी सुविधा ना मिलने के बावजूद एक बार फिर मानवता ने अपने सकारात्मक रूप को दिखाया है। गिहार समुदाय की फुटपाथ पर रहने वाली महिलाओं ने मदद कर प्रसूता को ऑटो में ही कुशलता पूर्वक प्रसव कराया। अच्छा, ये ऑटो में डिलीवरी हुई है, किस तरीके से, क्या क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाया तो बुलाए नहीं। हाँ, फिर ऑटो में भी सड़क में हुआ है? हाँ। तो एम्बुलेंस वालों को फोन किया था क्या आपने? किया था, आई नहीं गाड़ी। गाड़ी नहीं आई तो ऑटो में हो गया। किसने करी डिलीवरी? हमने करी। आपने करी है? कहाँ रहती हैं आप? ग्यारह कॉलोनी में रहती हैं। सब हुआ है ऑटो में, ग्यारह कॉलोनी के सामने। अच्छा। बता रहे हैं कि 108 नहीं आई एम्बुलेंस, क्या वजह है? वे 102 108 दोनों का है प्रोविजन, लेकिन 102 आती है
लेकिन आज जो है कुछ नेटवर्क वगैरह की वैसे तो प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हम जो है पता कराते हैं कि क्यों एम्बुलेंस का कॉल नहीं हुई। जच्चा बच्चा कैसा है इस समय? जच्चा बच्चा की हालत ठीक है, जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जो है अभी वो पूछ करके बताते हैं उनसे इंक्वायरी करके कि जो है एम्बुलेंस किन परिस्थितियों में नहीं पहुँच पाई। हाथरस के गाँव सुसावली में दो मासूम हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गए। वही 5 वर्षीय मासूम रामू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है और अब तक गांव में हादसे से 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई विकलांग हो गए हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हर बार कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार आखिर हो ही जाता है। दरअसल विद्युत विभाग ने 11,000 की लाइन को ग्रामवासियों के छतों के ऊपर से गांव में फैला रखी है। अगर 11,000 की लाइन को विद्युत विभाग सही तरह से गांव के बाहर से लाइन को निकालता तो शायद ये दुर्घटना नहीं हुई होती। क्या हादसा हुआ है? हादसा ये हुआ, ऐसा ये जैसे लाइन छतने पर जा रही है, मेरी ग्राम पंचायत में 80% गली नंबर ये लाइन छतने पर ही है और जी में ना 10-12 में केस है। एक दो आदमी विकलांग कहे गए और दो की जान चली गई विद्युत करंट से। हाँ जी, विद्युत करंट से। मैं कई बार लिख दे चुका हूँ, एक्शन है, एसी साहब है, अभी तक कोई सुनवाई केस ना गई, इतनी लापरवाही है। मैं कई बार लिख के देता हूँ, एक बार नहीं है तो रिजवी कहूँ मेरे पास हथना है कोई, मैं दही है कौन बीमा तो रिसीव कहूँगी कोई ना रिसीव नहीं दिया नहीं, नहीं। और ना कोई सुनवाई हो रही ना सुनवाई कोई ना, आज तक मैं कई बार दे चुका हूँ। ग्राम पंचायत सुसावली, यानी जो हादसे हो रहे हैं विद्युत विभाग की लापरवाही से हो रहे हैं। लापरवाही है ना, बहुत लापरवाही है। और मैं कई बार कहते हो लाइन मैन तो इतने रोज ही कहते याद रखे तू आमदा जब ही जो जांच कर गुंत कहें तू हर बार मिला लाइन हटवा अंत तक बंच है यहाँ बंच ना पाई अभी तक सोच बंच के ले तो ठीक है ना, हादसा भी और होंगे। उन्नाव दुष्कर्म कांड और सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर सपाइयों ने आज संत कबीर नगर में जमकर प्रदर्शन किया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठा होकर सपाइयों ने योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के विरोध में सपाइयों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की भी की है। हम लोग तो चुपचाप नेतृत्व के निर्देशन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में अन्य जिलों में गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि जिलों में जो चुपचाप धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, उन्हें जेलों में बंद किया गया है, उस चीज़ को लेकर के हम लोग रेलवे लाइन को जाम किए। उनको रिहा किया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनको रिहा किया जाए। फिलहाल अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर